ये बताइए, आप लोग इस तरह से अगर वसूली कर रही हैं या फिर किसी से हेल्प के लिए पैसे मांग रही है, ये जो है ये गैर कानूनी है। अगर कोई कंप्लेन करेगा तो आप लोग के ऊपर कार्रवाई। सही बात, आप बोलेंगे तो चले जाएंगे सर। पढ़ाई लिखाई किए हैं आप लोग? हमारे में रिवाज नहीं है लड़की लोगों को पढ़ाने का। राजस्थान में, राजस्थान में कोई लड़की लोगों को नहीं पढ़ाता है? हमारे समाज में रिवाज नहीं है, लड़की लोगों को पढ़ाएगी तो ससुराल। राजस्थान की तो ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो बिहार आकर नौकरी कर रही है, हेल्थ सेक्टर में है, बहुत सारे सेक्टर। समाज भी नहीं है ब्रदर, समाज अलग है ब्रदर। अच्छा, ये कैसा समाज है कि अपने बेटी को वो पढ़ने के लिए नहीं दे रहा है और बेटी मजबूर है किसी से हेल्प मांगने के लिए, बाहर निकल के अपना काम करने के लिए मांग रहे खुद के। बस मेरा वही सवाल है कि आप खुद के लिए सड़क पर उतर कर मांग रही हैं किसी? पहले मेरी बात सुन लीजिए सिस्टर। आप लोग ठीक है, किताब ही बेच रही है तो आपके समाज में किताब बेचने का अधिकार देता है, बेटियों को पढ़ने का अधिकार नहीं देता है? आप लोग बदलाव तो ला सकती हैं ना। अच्छा ये बताइए, आप लोग एक बात बताइए, आप लोग इतनी सारी युवतियां हैं, सब कोई फिट फाट दिख रही हैं, आप लोग नौकरी क्यों नहीं करते? आपके जैसे ब्रदर लोग कपड़े देते घरों में तो हम पहन के आते हैं। ठीक है, कपड़े देते हैं, हमारा सवाल यहाँ पे है कि आप लोग सब फिट फाट है, पूरा फिजिकली फिट है। तो एक मिनट पहले मेरी बात सुन लीजिए, आप लोग सुन लीजिए, पूरा फिजिकली फिट है, इस तरह से रोड पर खड़ा होकर किसी से हेल्प आप मांग रही हैं, आप क्यों नहीं कुछ नौकरी कर लेती हैं? कहीं भी आप रहेंगे तो सुनो, करते हैं ना, बुक बेचते हम भी, मैजिक बुक क्या होती है स्कूलों में, तो नहीं बिकते, मांगते खाते ब्रदर, हमको भी शौक नहीं सिस्टर लोग अच्छे घर के ब्रदर। देखिए इतना आप लोग बुक है ब्रदर, बहुत जन है हमारे पास, आप देखोगे तो आपकी आंखों में पानी। बस हम यही कहना चाहते हैं कि देखिए ये कब तक ऐसा चलेगा? नहीं ब्रदर, हम भी दो दिन के लिए मांग रहे, बस हम भी चले जाने वाले। कहना कि आप यहाँ दो दिन के लिए मांग रहे, फिर कहीं और आप दो दिन के लिए मांग रहे? चले जाने वाले, हम भी राजस्थान जा रहे हैं, हमारे गांव के जाने वाले ब्रदर, अनाज के लिए घर से लचार हो गए, उन्हों के लिए मांग रहे। क्या नाम हुआ आपका? प्रीति। अच्छा, आप इतना अच्छा पर्सनैलिटी, आपका कपड़े लते पहने हैं, आपके जैसे हम भी गगरा पहनते ब्रदर, गगरा चोली पहनते हम, तो सिस्टर लोग मारवाड़ी ड्रेस पहनते ब्रदर। जब भी काम क्या करते हैं आप लोग? बुक बेचते ब्रदर, वो नहीं बिकते तो मांग के खा लेते। कहाँ पे बुक बेचते हैं आप लोग? हर जगह घूमते, स्कूलों में बताते, दुकानों बाजारों में बताते। अभी हम बिहार शरीफ और बख्तियारपुर के रोड पर हैं और यहाँ पे कुछ लोग जो हैं, यूं कहें तो कुछ गर्ल्स हैं जो मांगने के लिए आपके भी देश। क्या नाम हुआ आपका? प्रीति नाम है। क्या होगा, कहाँ से आई हो आप? राजस्थान के रहने वाले, हर साल आते हैं सिस्टर लोग। हर साल आते हैं? गुस्सा करते हो ब्रदर, आपके देश में बिहार में हर साल आते हैं। मैंने गुस्सा नहीं करा, मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, बस मैं इस चीज को दिखाने वाला हूँ कि इन लोगों के साथ जो मजबूरी है वो मैं बात करने वाला हूँ कि क्या समस्या आप लोगों के साथ है। लिसन, क्या नाम हुआ आपका? बारोट। कोई एक अगर बात करना चाहती है तो आ जाएंगे हमारे पास। बारोट नाम है। क्या, अच्छा आपका नाम क्या है? भावना बारोट। अच्छा, क्या समस्या है आपके साथ? अभी पहले मेरी बात सुन लीजिए, अभी यहाँ पे जैसे हम लोग क्रॉस कर रहे थे तो आपके द्वारा एक पर्ची दिखाया गया और कहीं ना कहीं कुछ हेल्प के लिए पैसे की मांग किया गया। हमारे खुद के बहन भाई के लिए मांग रहे हैं, अनाज कपड़ों के लिए मांग रहे हैं, आप दोगे तो कुछ अनाज कपड़ों में जाएंगे। हम भी मारवाड़ी लोग हैं, बारोड लोग हैं, गुजरात में रहते हैं, हमारे भी सरकारी फ्लोर थे, तोड़ दे हमारे को भी सरकारी फ्लोर दिए। अच्छा ये बताइए, मतलब राजस्थान की आप रहने वाली हैं, गुजरात में आप रहती हैं, हमारे गांव का नाम सुन के ब्रदर, हमारे देश का नाम बहुत जना है, 150 लोग है, बाल बच्चे बिगड़ सब है ब्रदर, हमको भी शौक में, हम तो घूमते घूमते दुकानों बाजार घूम रहे थे। अभी जो पर्ची आप हमको दिखा रहे थे, थोड़ा दिखाइए क्या है उसमें, क्या है उसमें, थोड़ा 200 रुपये। बड़े बनोगे आप ब्रदर, हमारे खुद के लिए मांग रहे हैं, अनाज कपड़ों के लिए मांग रहे हैं, हमको की शौक नहीं है ब्रदर मांगने के लिए, चले जाने वाले हम भी, यहाँ पे नहीं रुकने वाले, इतना धूप गिर रहे ब्रदर, अभी घूमते घूमते जा रहे थे, अभी दुकानों बाजार। चलिए यहाँ पे इस थोड़ा तस्वीर को दिखाएंगे, ये एक पूरा लिस्ट है और सभी से हेल्प लिया गया, कई लोगों ने यहाँ पे कोई 500, कोई 300, कोई 200 रुपए, दो तीन दिन के ब्रदर अनाज कपड़े दे के गए, आपको विश्वास नहीं है तो हमारे साथ में भरोसा है। अच्छा ये बताइए, आप लोग इस तरह से अगर वसूली कर रही हैं या फिर किसी से हेल्प के लिए पैसे मांग रही है, ये जो है ये गैर कानूनी है। अगर कोई कंप्लेन करेगा तो आप लोग के ऊपर कार्रवाई। सही बात, आप बोलेंगे तो चले जाएंगे सर, हम यहाँ पे नहीं घूमने वाले, 5 मिनट ही हुआ हम लोग को यहाँ पे खड़े रह के, हम आपने बोला तो हम चले जा रहे हैं। मेरा ये अधिकार नहीं है कि हम आपको यहाँ से चला दें, ये प्रशासन की बात है। अगर आप रास्ते में किसी की गाड़ी रोक कर आप पैसे की मांग कर रहे हैं, ऐसे हम रोका रहे थे, जोर जबर से नहीं मांगे, जो 10 देते वो लेते। अच्छा ये बताइए, आप लोग एक बात बताइए, आप लोग इतनी सारी युवतियां हैं, सब कोई फिट फाट दिख रही है, आप लोग नौकरी क्यों नहीं करते? आपके जैसे ब्रदर लोग कपड़े देते घरों में तो हम पहन के आते। ठीक है, कपड़े देते हैं, हमारा सवाल यहाँ पे है कि आप लोग सब फिट फाट है, पूरा फिजिकली फिट है, तो एक मिनट पहले मेरी बात सुन लीजिए, आप लोग सुन लीजिए, पूरा फिजिकली फिट है, इस तरह से रोड पर खड़ा
खड़ा होकर किसी से हेल्प आप मांग रही हैं, आप क्यों नहीं कुछ नौकरी कर लेती हैं? कहीं भी आप रहेंगे तो सुनो, करते हैं ना, बुक बेचते हम भी, मैजिक बुक क्या होती है स्कूलों में, तो नहीं बिकते, मांगते खाते ब्रदर, हमको भी शौक नहीं, सिस्टर लोग अच्छे घर के ब्रदर। देखिए इतना आप लोग बुक है ब्रदर, बहुत जने हमारे पास, आप देखोगे तो आपकी आंखों में पानी। बस हम यही कहना चाहते हैं कि देखिए ये कब तक ऐसा चलेगा। नहीं ब्रदर, हम भी दो दिन के लिए मांग रहे, बस हम भी चले जाने वाले। कहना की आप यहाँ दो दिन के लिए मांग रहे, फिर कहीं और आप दो दिन के लिए मांगे? चले जाने वाले हम भी, राजस्थान जा रहे, हमारे गांव के जाने वाले ब्रदर, अनाज के लिए से लचार हो गए, उनों के लिए मांग रहे। क्या नाम हुआ आपका? प्रीति। अच्छा, आप इतना अच्छा पर्सनैलिटी, आपका कपड़े लते पहने हैं, घगरा चोली पहनते हैं, तो सिस्टर लोग मारवाड़ी ड्रेस पहनते ब्रदर। जब भी काम क्या करते हैं आप लोग? बुक बेचते ब्रदर, वो नहीं बिकते तो मांग के खा लेते। कहाँ पे बुक बेचते हैं आप लोग? हर जगह घूमते, स्कूलों में बताते, दुकानों बाजारों में बताते। पढ़ाई लिखाई किए हैं आप लोग? हमारे में रिवाज नहीं है लड़की लोगों को पढ़ाने का राजस्थान में। राजस्थान में कोई लड़की लोगों को नहीं पढ़ाता है? हमारे समाज में रिवाज नहीं है, लड़की लोगों को पढ़ाएगी तो ससुराल। राजस्थान की तो ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो बिहार आकर नौकरी कर रही है, हेल्थ सेक्टर में है, बहुत सारे सेक्टर। समाज भी नहीं है ब्रदर, समाज अलग है ब्रदर। अच्छा, ये कैसा समाज है कि अपने बेटी को वो पढ़ने के लिए नहीं दे रहा है और बेटी मजबूर है किसी से हेल्प मांगने के लिए, बाहर निकल के अपना काम करने के लिए मांग रहे खुद के। बस मेरा वही सवाल है कि आप खुद के लिए सड़क पर उतर कर मांग रही हैं किसी? पहले मेरी बात सुन लीजिए सिस्टर, आप लोग ठीक है, किताब ही बेच रही है तो आपके समाज में किताब बेचने का अधिकार देता है, बेटियों को पढ़ने का अधिकार नहीं देता है? पढ़ते, क्या आप लोग बदलाव तो ला सकती हैं ना? आप भी अच्छे बोल रहे ब्रदर, करेंगे ब्रदर, पढ़ाई नहीं करेंगे क्या? नहीं, ये कैसा समाज है कि बेटियों को पढ़ने नहीं दो लेकिन कमाने के लिए जो है वो रोड पर निकल? नहीं ब्रदर, उसके होने से नहीं, हमारे आप अपने बाल बच्चों को पढ़ाएंगे ना? तो सुनो, आप अपने बाल बच्चों को पढ़ाएंगे? पढ़ाएंगे ब्रदर, ऐसे तो नहीं कोरे पेपर में जिंदगी बिगाड़ेंगे, हम भी पढ़ाएंगे, स्कूल पढ़ाएंगे, नौकरी दिलाएंगे ब्रदर, हम भी दो दिन के लिए भाड़े टिकट का पैसा हो जाएगा, चले जाने वाले। स्थिति ये हो जाएगी कि जिस तरह से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, अगर प्रशासन बीच में आ गया तो दिक्कत में पड़ जाएंगे। बस मेरा कोई अधिकार नहीं, हम क्यों आपको भेज दें? हम क्यों आपको बोल दे कि आप चले जाओ बाजार में घूमेंगे? नहीं कह दिया, जावर कह रहे हो तो कोई कह, मैं नहीं कह रहा हूँ जाने के लिए, मैं ये कह रहा हूँ कि दिक्कत हो सकती है। क्या नाम हुआ सर आपका? धीरज कुमार। अच्छा बताइए, जैसे कि यहाँ पे कुछ लड़कियाँ बता रही हैं कि हम लोग राजस्थान के रहने वाले हैं, वहाँ पढ़ने का रीति रिवाज नहीं है बेटियों के लिए हमारे समाज में, क्या ऐसे बेटी अगर रोड पर खड़ा होकर मांगती है ये अच्छा लगता है क्या? एकदम गलत लगता है, गलत लगता किसी की भी बेटी हो, माँ बहन बेटी सबका एक सबके लिए है। जैसा कि अभी हम लोग आ रहे थे तो गाड़ी रोका के इसने मतलब यूं फोर्स भी करा कि मुझे ये 200 नहीं 500 दे दो, तो हम लोगों ने चला कि लड़की है तो चलो 200 रुपये हमने डोनेट कर दिया, लेकिन ये गलत है, गैर कानूनी बिस्तर से रोक के लेना पैसा। हम तो देखिए कुछ नहीं, हम लोग को लगा कि चलो हेल्प कर देना ज्यादा बेटर लग रहा था, इसलिए हम आपने भी दिया। हाँ, आपने कितना दिया? 100 रुपया दिया। आपने भी 100 रुपया? जी हाँ, लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, बताइए, अच्छा लड़की सभी पर्सनैलिटी से काफी ठीक ठाक लग रही, कहीं भी नौकरी करेगी 10-15 हज़ार रुपए मिल सकता आराम से, है ना? 10-15 हज़ार 20 हज़ार आराम से कमा सकती है, या घर बैठे भी कुछ काम ऐसा कर सकती है, पढ़ा लिखा सकती है, लेकिन खुद पढ़ी लिखी रोड पर उतर कर पैसे मांग, बताइए कितना शर्म की बात है कि उसके समाज में बेटी को पढ़ने नहीं दिया जा रहा, रोड पर उतरने के लिए भेज दिया गया, जाके हाथ फैला के पैसा मांगो, है ना? ये तो गार्जियन की गलती है, गलती है ना? हाँ, एकदम गार्जियन की गलती है। अगर बाल एक चीज कहेंगे हम कि माँ बाप ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो बाल बच्चा को पैदा कर दिया रोड पर छोड़ने के लिए, वो कभी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, ये तो माँ बाप की गलती है कि साला पैदा ही ना करो। लेकिन ये लड़कियाँ इतनी पर्सनैलिटी, अच्छे कपड़े लत्ते पहने हैं, अच्छा ड्रेस पहनी हुई है, उसके बावजूद खड़ा होकर रोड पर पैसे मांग रही, कहीं ना कहीं ये गलत है। गलत है। ये कौन सा रोड है? ये बख्तियारपुर रोड है। तो ये बख्तियारपुर का रोड था, हम लोग भी कहीं से आ रहे थे, अचानक इन लोगों के द्वारा रोका गया और पैसे की मांग की गई। हालांकि मजबूरियां सबके साथ होती है, लेकिन मैं आग्रह करूंगा कि इस तरह से सड़क पर रोक कर कोई लड़की पैसे मांगती है तो आप लोग न दें। हमने देकर गलती कर दिया, बात को समझ नहीं पाया। मैं यहाँ के प्रशासन से भी आग्रह करता हूँ कि इन लोगों के पास जाकर पता करें कि आखिर ये पैसे किस लिए मांग रही है और आखिर इन लोगों का मनसा क्या है, क्योंकि बहुत तरीके के गलत काम भी होते हैं, इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, हमारी ये कोशिश थी, मैं लोगों को आगाह करना चाहता हूँ कि आप अगर बख्तियारपुर के रोड से क्रॉस कर रहे हैं, अगर कोई रोक कर पैसा आपसे मांगे तो निश्चित तौर पर पहले उसका अच्छे तरीके से पड़ताल कर लें, उसके बाद कहीं ना कहीं अगर आपको गलत लगता है तो प्रशासन को इन्फॉर्म करें। हमारे कहने के बाद शायद वो लड़कियाँ जा रही हैं, लेकिन अगर रोक कर पैसा मांगती है तो यहाँ के हम वरीय पुलिस अधीक्षक को भी इन्फॉर्म करेंगे, ये जिस जिला में आता है उस जिला के पुलिस अधीक्षक को फोन करके इन्फॉर्म करेंगे कि सड़क पर रोककर किसी से पैसा मांगा जा रहा है और निश्चित तौर पर इन लोगों पर कार्रवाई होगी। धन्यवाद। आप देख रहे थे मगध की बुलंदबाज और मैं हूं सुमर राठौर।